नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे होंगे और ढेरों प्रैक्टिस चल रही होगी आपकी। तो मैं दोस्तों आज आपको ये बताना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि यदि हारमोनियम बजाना है तो आपको ताल की जानकारी रखनी ही होगी। और देखिए आज मैं कुछ अलग तरह से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए मैंने यहाँ कीबोर्ड भी लगा रखा है, तो ताल कौन कौन सा ताल किस प्रकार का होता है, जो 4/4 बीट का ही होता है, जो कहरवा का ही होता है, 4/4 का ही होता है, वो उतने प्रकार को मैं यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। मैं बजा दूंगा यहां पर कि देखिए कैसा कैसा होता है। और दोस्तों इसका नोटेशन भी वीडियो के अंदर दिया हुआ मिल जाएगा आपको। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं आपको वो नोटेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को स्किप किए बिना देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों समय तो थोड़ा देना होगा ना, स्किप करने से आप पूरी बातों को समझ नहीं पाते। वीडियो किन्हीं की भी देखिए, मेरी ही नहीं किन्हीं भी को का भी वीडियो देखिए जिनसे आपको कुछ सीखना है, तो उस वीडियो को हमेशा पूरा देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जो भी सीखना चाहते हैं वो प्रॉपरली सीख सके। आप आधा बात सुनेंगे आधा बात नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो आधी ही बात समझ में आएगी फिर। इसलिए हमेशा किन्हीं की भी वीडियो देखिए, आप पूरा देखिए। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ताल के बिना सारा संगीत अधूरा हो जाता है। तो इसलिए ताल को समझना जरूरी है दोस्तों। तो अगर दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करता हूं, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और अपनों को शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले समझिए कि कैसा कैसा होता है और इसकी नोटेशन मैं दे दूंगा। नोटेशन एक ही रहेगी लेकिन वो जो है किस किस प्रकार का होता है। सबसे पहले आइए 4/4 बीट में, जिसको कहरवा कहते हैं। देखिए सबसे पहला ये है, देखिए आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, है ना ये। अब किसी का दूसरा मैं दिखा रहा हूं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, सब सेम ही ताल है, सबका काउंटिंग एक ही है, बराबर ही है। अब मैं तीसरा आपको दिखा रहा हूं, सुनिए ध्यान से, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो दोस्तों ये 8 मात्रा का ताल है जिसको कहरवा कहते हैं। 4/4 बीट, इसकी बीटिंग 4/4 होती है, जो मैं आपके वीडियो के अंदर लिखी हुई मिल जाएगी और आप उसको ध्यान से समझेंगे। कैसे समझेंगे, सबसे पहले तो काउंटिंग करना समझ लीजिएगा। एक दो तीन, 8 होता है तो 8 काउंट करते हैं। पहले मैं बताता हूं, मैं पहले भी वीडियो में बताया है लेकिन इस तरह से नहीं बताया था। अब सेकेंड स्टेप में मैं इस तरह से बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकिए। देखिए ताल वो एक ही मतलब 8 ही मात्रा का ताल है, लेकिन देखिए वेरिएशन अलग अलग है, अलग अलग स्टाइल का है, तो ये आपको जानना पड़ेगा ना। आप बजाएंगे हारमोनियम
ताल का पता नहीं, ये ताल से कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक को लेकर बैठा हूं। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन जब गिनती करते हैं तो चार चार का दो बार कर देते हैं तो 8 हो जाता है। तो संगीत में गिनती करने का एक तरीका होता है, ये 8 मात्रा है तो इसीलिए कहते हैं 4 by 4, यानी 4 को दो बार कर देंगे तो वो 8 हो जाएगा। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से। और देखिए, इन सबों में वही चीज है, तो आप काउंटिंग करना सीखिए। सबसे पहला काम होता है काउंटिंग करना होता है, और किसी भी ताल की सम कहते हैं। हर ताल में सबसे पहला दो बेसिक चीज समझ लीजिए, सम और खाली, सम और खाली। तो सम हमेशा सभी ताल की एक मात्रा पर ही होती है, नंबर 1 पे होती है, और खाली कहीं भी हो सकती है, हर ताल का अलग अलग खाली होता है, लेकिन सम एक ही एक नंबर पर ही होती है। तो इसमें भी देखिए, मैं बता रहा हूं फिर से एक बार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, 8 हो गया। फिर से एक बार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हो गए। दूसरे में भी वही है, स्पीड बदले की देखिए, एक दो तीन चार, 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 इसको सुनिए फिर से, एक समझिए। तो जब आप हारमोनियम बजाएंगे तब जाकर उसमें मैच करेगा, है ना। जैसे सपोज एक बात मैं कह रहा हूं, समझेंगे तभी साथ में बजा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मैं आपको आज सिर्फ यही ताल बताकर छोड़ता हूं, दूसरी ताल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए कि ताकि मैं इस वीडियो में पूरी एक ताल को अच्छे से समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैंने एक को ही लेकर आज इसको बना रहा हूं, तो आप समझ गए होंगे। देखिए, मैंने 4 वेरिएशन आपको बता दिया है, और इस तरह के वेरिएशन को बस समझना होगा। कहीं आपको ताल समझ में आए तो गिनती करने की कोशिश कीजिएगा, कहीं बज रहा है आप काम भी करते रहिए और मन ही मन 1 2 3 4, 1 2, और अपना काम करते रहिए। इस तरह से भी कोशिश करनी चाहिए, जिससे आप काम करते हुए भी आप कुछ कुछ प्रैक्टिस, कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती है जो आप काम करते हुए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं वीडियो दोस्तों, फिर से एक बार मिलते हैं, आप लोगों के समक्ष एक नई चीज लेकर आऊंगा।
आप लोगों के समक्ष एक नई चीज फिर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को राजेश कुमार का नमस्कार।